राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे, सुनीता नेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कान्हा जी के लिए बनाएंगे ब्लैंकेट। इसको आप एसी ब्लैंकेट भी कह सकते हो, जैसे हम भी हल्की ठंड में या फिर एसी चलाते हैं तो ब्लैंकेट ओढ़ते हैं। तो अब रजाई का तो टाइम चला गया है, तो एसी कंबल का टाइम आ गया है। जैसे हल्की ठंड सवेरे शाम कंबल लेके सोते हैं, एक बार पंखा चलाते हैं तो भी कंबल लेके सोते हैं, तो ऐसे ही हमारा कान्हा जी का रूटीन है, जैसा हमारा रूटीन होएगा। तो अभी हम ये नीटिंग में 10 नंबर सिलाई के साथ में हम बेबी ऊन से ब्लैंकेट बनाएंगे। तो ये मैंने कुछ ऐसा कलर लिया है जो कान्हा जी को अच्छा लगेगा, तो आप किसी भी रंग का बना सकते हैं। हम नीटिंग में बनाएंगे। ये तरीका जो है, बड़े कान्हा जी का हो, छोटे कान्हा जी का हो, चाहे बच्चे का हो या न्यूबॉर्न का हो, किसी का भी आप ब्लैंकेट बनाते हैं, तरीका यही रहेगा। जब आपकी चौड़ाई पूरी हो जाए आपके कान्हा जी के हिसाब से, तो आप इसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फंदे का हिसाब है, जैसे शुरू होगा छोटे का वैसे ही बड़े का। तो ये मैं अपने 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि भाई हल्की ठंड हो गई है, रजाई हटा दी है, एसी कंबल की जरूरत है, तो मैंने सोचा नीटिंग में बनाया जाए। तो चलिए, तो ये आप ऊन के हिसाब से, अगर आपकी 3 प्लाई की ऊन है तो आप सिलाई 9 नंबर से भी बना सकते हैं बड़े कान्हा जी का। मैं बेबी ऊन से बना रही हूँ, तो 4 फंदे हम इस तरीके से डाल लेंगे, 1, 2, 3 और ये 4। तो 4 फंदे हमने डाल लिए। तो ये 4 फंदे डालने के बाद आप चाहे तो जो सिलाई आपको बनाने में इजी लगती हो, अगर आपको सीधी सिलाई बनाने में इजी लगती है तो आप इसे सीधी सिलाई से बना सकते हैं। अगर आपको उल्टी सिलाई अच्छी लगती है बनाने में, जिसमें भी आपका हाथ तेज चलता हो या अच्छा चलता हो, आप वो सिलाई इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है कि एक सीधी एक उल्टी, इसमें एक ही सिलाई बनानी, चाहे आप सीधी बनाइए चाहे आप उल्टी बनाइए, यानी कि सीधी इस तरीके से और उल्टी आगे की तरफ से। तो हम इसमें उल्टी उल्टी बना रहे हैं, क्योंकि मुझे उल्टी बनाने में इजी लगता है। तो ये हम 4 फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो ये 4 फंदे हमने उल्टे उल्टे बना लिए, 1 सिलाई हो गई। अब हमें दूसरी सिलाई भी इसी तरीके से उल्टी उल्टी बनानी है। पहला फंदा हम बिना बुना ले रहे हैं और इस तरीके से 4 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब हमारे फंदे बढ़ने शुरू होंगे 2 सिलाइयां इस तरीके से बनाने के बाद। तो ये देखिए, हर बार एक ही फंदा बढ़ेगा। पहला फंदा बिना बुना लिया और दूसरा फंदा हमने उल्टा बना लिया। तो 2 फंदे जब हमारे ऐसे सिलाई में आ जाएं, तो यहाँ पर डलेगी हमारी जाली। जाली डालने के लिए आपको फंद इस तरीके से घुमा के आगे की तरफ लाना है और बाकी के 2 फंदे हमने उल्टे बना लेने। तो ये 1 जाली डल गई, तो हमारे फंदे हो गए 5 फंदे। ये देखिए, 1, 2 और बीच में जाली, 1, 2, तो 5 फंदे हो गए। इस पे हर सिलाई पे आपको ऐसे ही करना है। पहला फंदा बिना बुना लिया, इसको बुनना चाहे तो आप बुन भी सकते हो। तो 2 फंदे हो गए सिलाई में, फिर से इस तरीके से घुमा के लाए। यहाँ पर अब 3 फंदे हमारे, तो इन तीनों को उल्टा बना लेंगे। अगर आप सीधा बनाते हैं तो आप सीधा बना लेंगे। इसी तरीके से बस आपको बनाते जाना है, जब तक आपको अपने कान्हा जी की चौड़ाई के हिसाब से नहीं दिखाई दे। ये देखिए, जाली डल गई, फिर पहला फंदा बिना बुना लिया, तो ये देखिए 2 फंदे हो गए। इस तरीके से घुमाया और सारे फंदे उल्टे बना दिए। सिर्फ शुरू में आपको 1 जाली डालनी है 2 फंदों के बाद, और दोनों फंदे आप बुन भी सकते हैं, चाहे बिना बुना पहला फंदा ले सकते हैं। तो मेरी आदत है, मैं बिना बुना ही लेती हूँ। ये देखिए, बिना बुना ले लिया, दूसरा फंदा मैंने बुन लिया, है ना, इजी। और फिर बस इस तरीके से 2 फंदों के बाद घुमाना है, बाकी सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेने। बस यही बार बार आपको रिपीट करना है, जब तक आपके फंदे इतने नहीं हो जाते कि आपको लगे कि नहीं, हमारे कान्हा जी को ये चौड़ाई अच्छे से आ जाएगी। तो जब तक आपको इसी तरीके से पहला फंदा बिना बुना, दूसरा बुन लिया, यानी कि 2 फंदे उल्टे बनाए और इस तरीके से घुमाया, जाली डाल दी, बाकी के सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लिए। तो इसी तरह बार बार आप रिपीट करिए। जब भी नई सिलाई शुरू होगी तभी आपको 2 फंदों के बाद में जाली डालनी है, बाकी फंदे सारे उल्टे। तो ये देखिए, हमारे फंदे बढ़ गए
और चौड़ाई भी मतलब बढ़ रही है, इसी तरीके से आप बनाते जाइए। तो ये देखिए हमने इतना बना लिया है। तो ये चौड़ाई मैं बोल रही थी कि इतनी चौड़ाई, जितनी चौड़ाई आपको अपने कान्हा जी के लिए ठीक रहती है, उसके बाद ही हमारा इस तरीके से बंद होएगा, यानी कि ऐसे। तो ये मेरा जीरो साइज के मेरे कान्हा जी आपने देखे ही होंगे, अगर वीडियो देखी है मेरी तो बहुत छोटे से हैं। और ये है मेरे कान्हा जी का छोटा सा बेड, ये हमारे जीरो साइज का बेड है, ये मेरी भाभी ने मुझे ला के दिया वृंदावन से, क्योंकि यहाँ तो इतना छोटा बेड मिला नहीं था। तो ये बिल्कुल इसी के साइज से मैं, देखिए मेरे कान्हा जी जैसे ये इस तरीके से, तो ये पूरा यहाँ तक कवर हो गया है। और ये जैसे एसी कंबल है थोड़ा फेस भी, तो उस हिसाब से आप अपने बेड के हिसाब से, ज्यादा लटके भी नहीं तो उस हिसाब से आपको ये ब्लैंकेट बनाना है। तो ये देखिए मेरे कान्हा जी के बेड के लिए तो बिल्कुल सही आ रहा है, ये देखिए। अभी ये थोड़ा सा सिलाई के अंदर थोड़ा और फैलेगा, तो इसके बाद मैं दो सिलाइयां और बना लेती हूँ, थोड़ा सा और लंबा कर लेती हूँ, उसके बाद हम इसे तिकोन में इस तरीके से, तो ये एक स्क्वायर पीस में बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए दो सिलाइयां बना के, दो तीन सिलाइयां मैं और बना लेती हूँ। तो ये देखिए हमने कुछ इतना बना लिया है, और ये हमारे 34 फंदे हैं। अगर ये आप मोटी सिलाई से बनाएंगे, मोटी उनसे, तो थोड़ा सा और आपका बड़ा बन जाएगा। तो ये हम 10 नंबर से बना रहे हैं। अब हमें यहाँ से फंदे घटाने, जिससे ये स्क्वायर पीस में आ जाए। ये देखिए अब हमें ये जाली भी चाहिए और हमारे फंदे भी कम होने चाहिए, यानी कि घटते हुए 4 फंदे रह जाने चाहिए और जाली भी आनी है। तो क्या करना, जाली से फंदा बढ़ेगा। तो देखिए पहला फंदा बिना बुना लिया, अब दो फंदे हमने इस तरीके से, ये देखिए दो का एक कर दिया, ठीक है, दो फंदे हो गए। फिर हम इधर डालेंगे जाली इस तरीके से। तो आप कहेंगे एक फंदा कम हुआ और एक डाल दिया तो बराबर ही हुआ, तो इस तरीके से दो फंदे बनाने के बाद में हम दो फंदे फिर उल्टे बनाएंगे। तो हमने जाली के इधर दो का एक किया, जाली के इधर दो का एक किया, इस तरीके से बनाकर पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। तो जैसे हमने शुरू में दो फंदों के बाद जाली डाली थी, सिर्फ एक ही बार आपको ऐसे करना है और पूरी सिलाई आपको एंड तक उल्टी बनानी है। तो देखिए हम आखिर में आ गए हैं, सारे फंदे हमने इसी तरीके से उल्टे उल्टे बना दिए हैं। और जब हम फिर से शुरू करेंगे नई सिलाई, फिर से रिपीट करेंगे। तो फिर से ध्यान से देखिए, पहला फंदा बिना बुना लिया, शुरू के दो फंदों का एक कर दिया, दो का एक किया, जाली के लिए फंदा आगे किया और दो फंदे एक साथ फिर हमने बना लिए और पूरी सिलाई उल्टी। इसी तरीके से बार बार रिपीट करना है। तो देखिए हम बार बार जब रिपीट ऐसे करेंगे, तो ये देखिए कोना हमारा इस तरीके से फंदे कम होते जाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ से चौड़ाई देख ली थी। तो पूरा बना लेते हैं ऐसे ही, मैं आपको फिर से एक बार फिर दिखाती हूँ कैसे हमने किया है। पहला फंदा बिना बुना, शुरू के दो फंदों का एक, जाली के लिए आगे किया और फिर दो फंदे हमने एक साथ ले लिए इस तरीके से और पूरी सिलाई उल्टी। बस ऐसे हम रिपीट करते आ रहे हैं। तो ये देखिए हम इस तरीके से, देखिए हमारा कोना, हम जैसे फंदे घटाते आ रहे थे, तो ये देखिए इस तरीके से हमारा कोना यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। जैसे 4 फंदों से हमने शुरू किया था, तो हम इसी तरीके से बनाते आ रहे हैं। देखिए फिर से एक बार, पहला फंदा बिना बुना लिया और दो फंदे हमने एक साथ बनाए और फिर जाली के लिए आगे किया और फिर दो फंदे एक साथ और पूरी सिलाई उल्टी। तो ये हमने जब तक बनाना है, जब तक हमारे 4 फंदे नहीं रह जाते, क्योंकि हमने 4 फंदों से इसे शुरू किया था। ये फिर से देखिए, पहला फंदा बिना बुना, दो एक साथ, जाली के लिए फंदा आगे किया और फिर दो एक साथ, बाकी के फंदे उल्टे। तो ये देखिए धीरे धीरे हमारे फंदे कम हो रहे हैं। ये देखिए दो फंदे, जाली के लिए आगे फिर दो फंदे और बाकी फंदे उल्टे। तो ये हमारे हो गए हैं 6 फंदे। तो दो बार और रिपीट करना हमने इसी तरीके से, दो फंदे एक साथ आगे जाली फिर दो फंदे, ये देखिए एक साथ 5 फंदे रह गए, बस एक फंदा और फिर 4 रह जाएंगे। दो फंदे एक साथ और जाली और दो फंदे एक साथ, 4 रह गए। अब हम इनको एक सिलाई चारों की इसी तरीके से बना लेंगे।
सॉरी दो सिलाइयाँ बनाएंगे, एक सिलाई हो गई और ये दूसरी सिलाई पे हम इसे बंद कर देंगे। दो फंदे एक साथ सिलाई में वापस, फिर दो फंदे एक साथ, यहाँ चारों फंदे हमने कर दिए बंद और यहाँ से धागा कट करेंगे। और यहाँ से देखिए इसी तरीके से था, यहाँ पर भी हमारा ऐसे चार फंदों में बंद हो गया। ये लास्ट वाला फंदा हम इस तरीके से इसके अंदर से ले लेंगे और सुई की हेल्प से इस धागे को अंदर की तरफ करके ये हमारा ब्लैंकेट छोटा सा कान्हा जी का बन के तैयार है। ये देखिए हमने यहाँ किनारे का धागा ऐसे सुई में डाली और ये देखिए जो हमने बिना बुने फंदे लिए थे इसमें से आप इस तरीके से ये देखिए अलग से उठे होते हैं ऐसे आप ऐसे डाल देंगे और ये धागा इधर को करके आप यहाँ से ये देखिए यहाँ से कट कर दीजिए। ये फिनिशिंग हो गई हमारी, ये देखिए चारों कोने एक जैसे बन गए हैं। और यहाँ पर कोई भी आप फ्लावर वगैरह बना सकते हैं, जैसे मैं इस कलर का फ्लावर बना दूंगी तो देखने में सुंदर लगेगा। अगर नहीं बनाना तो आप दोनों तरफ से इसको कान्हा जी को उड़ा सकते हैं। तो देखिए हमारे तो बिल्कुल ही छोटे से 0 नंबर कान्हा जी, इसलिए हम खुश होंगे, इसलिए हम पिंक कलर का एक फ्लावर बना देते हैं। तो कहीं भी आप किनारे पे एक बना दीजिए, जरूरी नहीं आपको मेरे जैसा बनाना, आपको जैसा भी अच्छा लगे आप बना सकते हैं। मैं एक सिंपल सा बना रही हूँ चेन स्टिच वाला, ये देखिए जो हमेशा कई बार मैंने बनाया है इस तरीके से। ये देखिए डबल मैंने धागा लिया उनका अंदर किया, फिर जहाँ से निकालते हैं बार बार वहीं से निकाल कर इस तरीके से आप 2-3 पत्तियाँ बना दीजिए, आपका फूल तैयार हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ से पत्ती बनाई, फिर यहीं से वापस सेंटर में जहाँ से मैं बार बार वहीं से इस तरीके से चेन स्टिच वाला टांका ले रही हूँ। तो ये देखिए ऐसे घुमाया और यहाँ से फिर, तो आप बीच में कोई मोती लगा सकते हैं, कुछ भी आप जैसे भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे छोटे से कान्हा जी का तो ब्लैंकेट बनके तैयार हो गया। आप भी बनाइए अपने कान्हा जी के लिए, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से छोटा सा ही आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आएगा आप भी अपने कान्हा जी के लिए जल्दी से बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे राधे राधे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।